अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये कह रहे हैं ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक। तो देखो हमने क्या करा, ए सी को जॉइन कर दो पहले, तो ठीक है इसका हम लोग लिख देते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कि हमने क्या करा है ना, जॉइंट ए सी, पहले तो हमने ए सी को जॉइन करा, ठीक है बच्चों। फिर क्या करा हमने, ए सी यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ है एक्स वाई विच इज़ पैरेलल टू ए सी, ठीक। अब सी एक्स को जॉइन करो, जॉइन सी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि तुम्हारे पास ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ये चीज़ गिवन है दैट ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ठीक है। दैट मीन्स ए एक्स इज़ अगेन पैरेलल टू डी सी, ए एक्स तो ए बी का हिस्सा है तो ये भी डी सी के पैरेलल हो गया, ठीक। अब तुम्हारे पास ट्राइंगल ए डी एक्स और ट्राइंगल ए सी एक्स दोनों सेम बेस पर हैं ए एक्स, और ये दोनों पैरेलल है तो दोनों का एरिया सेम होगा ना, चलो ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल ए डी एक्स एंड ट्राइंगल ए एक्स सी आर ऑन सेम बेस, क्या है बेस इसकी ए एक्स, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यहाँ पे पैरेलल्स क्या है ए एक्स एंड डी सी, तो मैं कह सकती हूँ दैट एरिया ऑफ ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एक्स, दोनों का एरिया सेम हो गया। इसको तुम अपनी इक्वेशन वन ले लो, ठीक। अब फिर से इसी फिगर पे आओ बच्चों, यहाँ पर देखो तुम्हारे पास बेस है ए सी, ठीक है, इस लाइन को तो हम ड्रॉ ही रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। ए सी तुम्हारे पास बेस है और यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों ए एक्स सी, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ए वाई सी, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, दोनों इस बेस पर है ए सी और बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए सी एंड एक्स वाई, तो मैं कह सकती हूँ ये दोनों ट्रायंगल्स का भी एरिया सेम होगा। कौन कौन से ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए एक्स सी एंड ट्रायंगल ए वाई सी, ठीक है, दे आर ऑन बेस, कौन सी बेस है ए सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यहाँ पे पैरेलल्स क्या है ए सी एंड एक्स वाई, तो मैं कह सकती हूँ दैट एरिया ऑफ ए एक्स सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए वाई सी, कह सकते हैं हम ये वाली बात, इसको तुम अपनी इक्वेशन टू मान लो। तो बच्चों ये बताओ फ्रॉम वन एंड टू दोनों में ए सी एक्स कॉमन है ना, ए सी एक्स इधर भी, ए सी एक्स इधर भी, इसको हम लिख सकते हैं ए वाई सी एक्स या फिर ए एक्स सी, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो हम दोनों से कह सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू वी कैन कंक्लूड दैट एरिया ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ए सी वाई, ठीक है, क्लियर है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।